फिर एक बार सिलीगुड़ी में 24 लाख रुपए की हिमालयन विग्रिया बरामद। पहले सैंपल बरामद हुआ था, अब पूरा पैकेट बरामद हो गया है। लगभग 800 ग्राम यासु गुम्बा, जिसे हिमालयन वियाग्रा भी कहा जाता है, चीन में तस्करी से पहले बैकुंठपुर वन विभाग के कर्मियों द्वारा एक ऑपरेशन में बरामद किया गया। ये यासु गुम्बा क्या है? ये एक प्रकार का जंगली भृंग है जो सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिस पर यह फंगस बन जाता है। इस कवक का उपयोग चीनियों द्वारा कामोत्तेजक औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। इसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले शुक्रवार को बैकुंठपुर वन विभाग के रेंज ऑफिसर आलमगीर हक को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि सिक्किम से नेपाल के रास्ते सिलीगुड़ी के रास्ते करीब 1 किलो हिमालयन वियाग्रा की तस्करी चीन में की जाएंगी। सिलीगुड़ी में इसे अन्य किसी को सौंप जाना चाहिए था। खबर सुनते ही खरीदार बनकर रेंज ऑफिसर आलमगीर हक ने जाल बिछाया। फिर तस्कर 14 ग्राम सैंपल सिलीगुड़ी के पास जलपाईगुड़ी समरनगर इलाके में ले आए। नमूने देखने से पहले ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें जलपाईगुड़ी जिला अदालत में ले जाया गया तो न्यायाधीश ने 14 दिनों की जेल का हिरासत का आदेश दिया। रेंज पदाधिकारी आलमगीर हक ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में पता चला है कि 5 तस्करों से समरनगर में किराए का मकान ले रखा था। वे वहाँ से तस्करी कर रहे थे। बुधवार रात जब घर पर छापे मारा गया तो तस्कर पिछले दरवाजे से भाग निकले। उस घर से एक पैकेट में करीब 800 ग्राम हिमालयन वियाग्रा बरामद किया गया, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय तस्करी बाजार में करीब 24 लाख रुपए की है। रेंज अधिकारी ने बताया कि तस्करों की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई है।